तो गाइज अभी मैं आया हूँ पंचतई मीणा हाई कोर्ट नांगर में, जहाँ पर कल विश्व आदिवासी दिवस समारोह के उपलक्ष में जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही है। कल यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें राजस्थान के साथ पूरे देश भर से आदिवासी समुदाय के साथ में सभी सर्व समाज यहाँ पर आएगी और कार्यक्रम को सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगा मैं वीडियो में किस तरह की तैयारियाँ चल रही है जोरों शोरों से और किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है, कौन कौन यहाँ पर कल आने वाला है, वो पूरी जानकारी दूंगा इस पूरे वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए और चलते हम सीधे अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ दौसा के नांगड़ राजावतान में मीणा हाई कोर्ट पर, जहाँ कल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष में यहाँ पर बहुत बड़ा समारोह किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव के उपलक्ष में मीणा हाई कोर्ट पर तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है। अंदर टेंट डोम टेंट बहुत और बाहर भी सजावट का कार्य पूरा हो चुका है। आप देख पा रहे हो पीछे गेट को पूरी तरह से सजा दिया है। तो अंदर किस तरह की तैयारियां चल रही है तो उसको भी दिखाता हूं आपको। तो चलते हैं सीधे। तो गाइस आप पीछे देख सकते हो सर्किल पर भी लाइटिंग वाइटिंग लगाकर सर्किल को बहुत अच्छी तरीके से सजा दिया गया है, ये देखिए। और आगे चलकर देखते हैं कितना बड़ा टेंट लगा है, क्या सुविधाएं है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो गाइज अभी देखिए लाइटें वाइटें रिपेयर की जा रही है क्योंकि डेकोरेशन किया जा रहा है, ये देखिए। तो गाइज पीछे ग्राउंड में आप लोग देख सकते हो बड़ा सोना डोम टेंट लगाया गया है। उसके अलावा पाइप पंडाल भी तैयार किए गए जिसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं, इतनी व्यवस्था की गई है। और बारिश के मौसम को देखते हुए उस तरह का टेंट लगाया गया है कि बारिश भी आ जाए तो पानी अंदर नहीं जाएगा। आगे जाके देखते हैं किस तरह की तैयारियाँ हो गई है। तो गाइज अभी इस बार बारिश का मौसम है क्योंकि बारिश तेज है यहाँ पर, ये देखिए पानी भी भरा हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मिट्टी डालकर उस तरह की व्यवस्था की गई है कि पानी एक जगह ज़्यादा एकत्रित ना हो। और सामने आप लोग देख पा रहे हो बड़ा सारा डोम टेंट लगाया गया है, उसके अलावा भी पाइप पंडाल बहुत ज़्यादा क्षेत्र में लगाया गया है, ये देखिए पूरे ग्राउंड में। और आप लोगों को बता दूं कल यहाँ पर कई गायक कलाकार आने वाले हैं, जिनमें से हरियाणवी प्रसिद्ध सिंगर कासा आड़ा चार भी आ रहे हैं, तो आप आना मत भूलिए बिल्कुल भी। ये देखिए दोस्तों पाइप पंडाल चारों तरफ, यहाँ पर लगभग 2 लाख से अधिक पब्लिक आने की संभावना है। कल बताया जा रहा है कि अंदाज़ा लगाया गया है 2 लाख से अधिक। और पाइप पंडाल देख सकते हो उसके आगे डोम तैयार किया जा रहा है, आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देखिए दोस्तों स्टेज को किस तरह से तैयार किया गया है, आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। अभी पूजा अर्चना चल रही है। ये देखिए गाइस किस तरह की स्टेज को तैयार किया गया है, स्टेज देख सकते हो आप लोग, बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया है। उसके अलावा आप डोम देख सकते हो नीचे, ये देखिए ये मेन स्टेज है जहाँ पर कार्यक्रम होगा। और ये नीचे अतिथि गणों के बैठने के लिए है, जो आगे ग्रीन लगा हुआ है जिस पर। और उसके अलावा आगे देख सकते हो आप दूर दूर तक केवल डोम टेंट ही दिखाई दे रहा है। लगभग 2 लाख से अधिक जनसंख्या आने की संभावना है यहाँ पर। और ये देखिए बनाया गया है जो कि बहुत ही बड़ा है।
डोम टेंट को देख सकते हो, वाटरप्रूफ है, पूरा फुल वाटरप्रूफ, क्योंकि बारिश का टाइम है तो उस तरह से ही अंदाज़ा लगाकर तैयारी की गई है, क्योंकि क्या पता मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो ये देखिए डोम टेंट, और उधर भी तैयार किया गया है। और आप लोगों को बता दूँ पार्किंग की भी अलग से व्यवस्था की गई है, पार्किंग के लिए अलग से जगह है जहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हो। और ये देखिए, और ये स्टेज देख सकते हो आप, बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया है जिस पर कार्यक्रम होगा, अतिथिगण बैठेंगे, कार्यक्रम होगा उनके लिए है। ये देखिए, और आप ऊपर से व्यू देख पा रहे हो, पूरा ये वीणा हाई कोर्ट का नज़ारा है जो आप देख पा रहे हो हमारे वीडियो में। तो गाइस तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से मीणा हाईकोर्ट को सजाया गया है विश्व आदिवासी दिवस के महोत्सव के उपलक्ष में। और यहां पर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें हरियाणवी सिंगर खासा आला चार, उसके साथ में मीणा वाटी सिंगर बहुत सारे जो यहाँ कल कार्यक्रम करने वाले हैं, और लगभग 2 लाख से अधिक पब्लिक आने का अंदाज़ा है। तो गाइज आप देख सकते हो पूरे ग्राउंड को शानदार तरीके से सजाया गया है, और ये मेन गेट देख सकते हो आप लोग, उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया है।